कम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा डिजिटल हेड एंड के ही बारे में। दोस्तों एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है जिनका सवाल है, मुझे लगा वो टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, जैसे भाई मैं बना रहा हूं। उनका सवाल है कि सर पेड चैनल का आउटपुट कौन से सेटअप बॉक्स से इनकोडर पे जाता है, हेड एंड में पेड चैनल चलाने के लिए कौन सा सेटअप बॉक्स आपकी तरफ से यूज होता है। इन शॉर्ट उनका कहना है कि जो डिजिटल हेड एंड में जो पेड चैनल है, जैसे कि स्टार, कलर, सोनी, जी, डिज्नी, डिस्कवरी के जो चैनल है, उनके लिए कौन सा सेटअप बॉक्स लगता है जिसके ज़रिए चैनल आपके हेड एंड से पास होकर ग्राहकों को मिलता है। ये उनका ऐसा सवाल था, तो उसके बारे में ही वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, सबसे पहला जो आपका कमेंट है, यहाँ पे सेट बॉक्स नहीं लगता है, उसे सेट बॉक्स नहीं कहते, उसे डिकोडर कहते हैं। सेट बॉक्स उसे कहते हैं जो आरएफ सिग्नल एक्सेप्ट करता है, जो आपके घर में लगता है, और जो चैनल चलाने के लिए जिससे चैनल ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसे डिकोडर कहते हैं। उस पर आईएफ सिग्नल एक्सेप्ट करता है, या तो केयू बैंड का हो या सी बैंड का सिग्नल हो, उसे आईएफ सिग्नल कहते हैं। जो आईएफ सिग्नल के जरिए आपको डिकोडर यूज किया जाता है डिजिटल हेड एंड में, जिसके जरिए पेड या एफटीए चैनल को निकाला जाता है। बात करते हैं सबसे पहले एफटीए चैनल के बारे में। तो एफटीए चैनल चलाने के लिए आपके पास दुनिया में, इंडिया में बहुत सारे एफटीए डिकोडर अवेलेबल है, जैसे कि जेनेगा है, उसके अलावा आपका सॉलिड का हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि एफटीए चैनल्स के लिए अवेलेबल है मार्केट में। वही अगर पेड चैनल की बात करूं तो पेड चैनल के लिए होमकास्ट का डिकोडर होता है, उसके अलावा आपको आईकास्ट वाले माईबॉक्स देते हैं, सिस्को का होता है, जनेगा का होता है, एरियन कंपनी का होता है, इतने सारे कंपनीज के डिकोडर्स आते हैं। तो जितने भी, जैसे बैकग्राउंड में भी ये देख पा रहे होंगे इमेज, तो ये सिस्को का लगा हुआ है। सिस्को के थ्रू यहाँ पे डिस्कवरी के चैनल चल रहे हैं, उसी तरीके से एरियन और जनेगा का बॉक्स जी नेटवर्क देता है, जिसके ज़रिए आपको एन टी वी और जी टी वी जैसे चैनल चलते हैं। स्टार का भी अपना पर्टिकुलर डिकोडर होता है, टाइम्स वाले होमकास्ट का डब्बा देते हैं। तो सभी कंपनी डिफरेंट डिफरेंट डिकोडर देती है जिसके ज़रिए चैनल चलाया जाता है, और उस डिकोडर में बेसिकली ऑप्शंस होता है कि उसको कमांड द्वारा एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन किया जाता है। जैसे एफटीए चैनल है, जो चैनल डायरेक्टली सेटेलाइट की तरफ से फ्री आ रहा है, उसके लिए किसी भी कंपनी के बॉक्स पे आप ट्यून करके देख सकते हैं। लेकिन पेड चैनल का अगर डिकोडर है तो वहाँ पर आपको डिपेंडेंसी होगा। जैसे स्टार का अगर डिकोडर है तो स्टार के ही कमांड उस पर एक्सेप्ट करेंगे। सेम डिकोडर पर जी टी वी अगर ट्यून कर दोगे आप तो जी टी वी ट्यून हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर वीडियो ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी डिकोडर भी बनता है, जैसे सेटअप बॉक्स पे जितना एमएसओ है, डीटीएच या केबल टीवी, वो अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर, ताकि कमांड एक्सेप्ट हो सके एसएमएस के ज़रिए। सेम ब्रॉडकास्टर भी उसी तरीके से अपना डिकोडर बनाते हैं, ताकि उनका जो कैश और एसएमएस लगा हुआ है उनके ज़रिए उनके चैनल एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो सके। होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो आपका क्यूरी था वो क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कुछ टेक्निकल टॉपिक्स आपके मन में और हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे लगा जेन्युइन टॉपिक है तो उस पर मैं वीडियो बना के सभी के लिए इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।